नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है देव सागर। आज हम जानेंगे अली फजल बायोग्राफी, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। अली फजल का नाम तो आपने सुना ही होगा। बता देते हैं, अली फजल एक भारत के फिल्म एक्टर है। अली ने अपनी मूवी की शुरुआत तीन इडियट्स मूवी से की थी। इस मूवी में अली का रोल बहुत ही कम था, लेकिन वो फिर भी दर्शकों के नजर में आए। अली फजल का जन्म 15 अक्टूबर 1986 को यूपी के लखनऊ में हुआ। वो इस समय 35 साल के हैं। उनके पिता का नाम मोहम्मद रफीक है और उनकी मां का नाम उजमा है। इसके अलावा अली के भाई बहन की जानकारी हमें ज्ञात नहीं। अली की जीएफ का नाम ऋचा चड्ढा है। वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम आपको ये से ही और वीडियो लाते रहेंगे। उन्होंने अपनी शिक्षा देहरादून स्कूल से की थी, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई यानी ग्रेजुएशन करने के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की है। उन्हें खाने में चिकन बिरयानी बहुत ही ज्यादा पसंद है। उनके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और अल पचिनो है और उनकी बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल है। अली को बास्केटबॉल खेलना बहुत ही पसंद है। इसके अलावा उनका पसंदीदा कलर नीला है। अली फैजल के अफेयर की बात करें तो वो ऋचा चड्ढा से काफी समय से रिलेशन में है। रिलेशन में रहने के कुछ समय बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला लिया था, लेकिन कोविड के कारण इन्होंने अपनी शादी आगे पोस्टपोन कर दी, जिसके बाद हो सकता है ये दोनों जल्द शादी के बंधन में बंध जाए। 2015 में अली ने एक ऐसी बात कहके विवाद खड़ा किया था कि खामोशियों मूवी में उनके को स्टार गुरमीत चौधरी का इस्तेमाल केवल प्रोड्यूसर द्वारा मूवी को प्रमोट करने के लिए किया था, क्योंकि उनके बहुत अच्छे फैन फॉलोइंग हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि और टीवी इमेजिन में गुरमीत का भगवान राम के रोल ही उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग का प्रमाण था। जब अली स्कूल पढ़ते थे तब अली अपने स्कूल में बास्केटबॉल खेलते थे और गेम में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। अली ने अपने करियर की शुरुआत में पिज्जा हट और माइक्रोमैक्स मोबाइल के लिए टीवी एडवर्टिसमेंट में एक्टिंग की। साथ ही बात की मूवी की जाए तो अली ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत शिला 2008 की फिल्म द ऑथर एंड ऑफ द लाइन में विच के रोल से की, जिसके बाद राजकुमार हिरानी की नेशनल फिल्म पुरस्कार विनर तीन इडियट्स बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। बता दें, यह मूवी चेतन भगत के नावेल 5.1 से बेस्ड। अगर आप अली फजल के फैन हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। करियर की स्पीड तब बढ़ी जब उन्होंने रेड चिलीज प्रोडक्शन के ऑलवेज कभी कभी में एक्टिंग की और उन्होंने जिसके बाद तीन इडियट्स, फुकरे, बात बन गई, सोनाली केबल और कई मूवी में बैक टू बैक एक्टिंग की। फजल को पानी से बहुत ही डर लगता है, इसलिए वो स्विमिंग नहीं करते। जानकारी के लिए बता दें, साल 2011 में फजल को शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा डायरेक्ट की गई रोमांटिक मूवी ऑलवेज कभी कभी के लिए सेलेक्ट किया गया। इस मूवीज के लिए उन्हें अपना 15 किलो वेट कम करना पड़ा, जिसके बाद साल 2014 में उन्होंने कॉमेडी ड्रामा मूवी बॉबी जासूस में विद्या बालन के साथ एक सपोर्टिंग रोल में काम किया। उसी साल उन्होंने रिया चक्रवर्ती के साथ सोनाली केबल के रूप में काम किया। इस मूवी में एक सांग के लिए अली ने रिया चक्रवर्ती के साथ अपना पहला इंटीमेट सीन दिए थे। हैप्पी भाग जाएगी, विक्टोरिया एंड अब्दुल, स्पिन ऑफ हैप्पी फिर भाग जाएगी। साल 2019 में अली को पावर ब्रांड्स ने बॉलीवुड फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड्स में इंडस्ट्री ट्रेंडसेटर से नवाजा। बता दे, 17 जून 2020 को लखनऊ में अली की मां का निधन हेल्थ रिलेटेड इश्यू के कारण हो गया, जिसके बाद साल 24 अप्रैल 2021 को उनके दादाजी की मृत्यु भी हो गई। अली ने साल 2020 नवंबर के महीने में अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक ट्वीट में ये बताया कि उनकी पहली सैलरी 8,000 थी और यह सैलरी उन्होंने अपने कॉलेज में पाई करते करते और उसी समय कॉल सेंटर में काम करके कमाई थी। उस समय अली की उम्र 19 साल थी। साल 2021 में अली ने अपनी लवर ऋचा चड्ढा के साथ मिलकर पुशिंग बटन स्टूडियो नाम से अपना मूवी प्रोडक्शन कंपनी को शुरू किया था।
मूवीज के अलावा अली ने वेब सीरीज मिर्जापुर में काम किया है। मिर्जापुर में उनके इस रोल को लोगों ने बहुत पसंद किया था। अली फजल नेटवर्थ 40 करोड़ रुपए के आसपास की कुल संपत्ति है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें और लोगों को भी इसकी जानकारी दें। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।